टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का जिक्र किया और राज्य से कहा कि वे अपने राज्य में टैक्स कम करें। मालूम हो कि पेट्रोल डीजल पर आखिरी बार राहत करीब 6 महीने पहले मिली थी, तब से अब तक कीमतें 17 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुकी हैं। पिछले साल नवम्बर में जिन 26 राज्यों में एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद वैट कम किया था, उनमें से 7 राज्य तो ऐसे हैं जहां अब भी पेट्रोल पर 25% से ज्यादा वैट है और 3 राज्यों में डीजल पर 23% से ज्यादा वैट है। जिन 7 राज्यों में वैट नहीं घटाया था, उनमें से 4 में पेट्रोल और पेट्रोल पर 25% या उससे कम वैट है। पेट्रोल पर सर्वाधिक वैट लगाने वाले टॉप 5 राज्यों में तेलंगाना, असम, राजस्थान, आंध्र व केरल शामिल है। वहीं डीजल पर सर्वाधिक वैट तेलंगाना, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और केरल में है। मोदी ने की राज्यों से वैट कम करने की अपील की है। मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले साल नवम्बर में कमी की थी। राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वो अपने यहाँ टैक्स कम करें। कुछ राज्यों ने तो अपने यहाँ टैक्स कम कर भी दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ अभी तक नहीं दिया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्यों के नागरिकों पर बोझ पड़ता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने साथ में ये भी कहा कि मेरी प्रार्थना है कि नवम्बर में जो करना था, अब वेट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ जल्द पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार, स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।